नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैगन से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे, तब आप इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डोंगे में पानी भरकर रखें, फिर इसमें डालें आधा चम्मच नमक और इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। इसे बनाने के लिए ले रहे हैं 2 मीडियम साइज के बैगन। बैगन का ऊपर वाला पार्ट काट कर हटा दें, फिर इसे बराबर मोटाई के स्लाइस में काट कर पानी में डालते जाएं। इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए पानी में रहने देंगे। अब एक कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे, फिर इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च काटकर और आधा इंच अदरक कद्दूकस करके। इसको थोड़ा सा चलाएं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इसे अच्छे से चलाते हुए भुने। अब हम इसमें डालेंगे 4 उबले हुए आलू। आलूओं को हमने थोड़ा बहुत मैश कर लिया है। इसे मसाले के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से चलाएं और भुने। आलूओं को कलछुल की मदद से मैश कर दें। अब इसमें डाल दें धनिया के पत्ते और अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमारे मसालेदार आलू बनकर तैयार हैं। इसे एक प्लेट में निकालकर साइड करके रख लें। बैगन के स्लाइस को भी पानी में से निकाल लें और एक प्लेट में निकालकर रख दें। अब एक बाउल में डालें 1.5 कप बेसन, फिर इसमें डालेंगे 4 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारे स्नैक्स क्रंची बनते हैं। फिर इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी, 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1/4 चम्मच कलौंजी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक स्मूथ घोल बनाकर तैयार करें। जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए स्मूथ घोल बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए घोल बना लेंगे। देखिए कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी का हमारा घोल बनकर तैयार हुआ है। अब हम लेंगे एक बैगन का स्लाइस और उसके ऊपर यह मसालेदार आलू डालकर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर इसके ऊपर एक और बैगन स्लाइस डालकर हल्का सा दबा देंगे। इसी तरीके से हम बाकी बैगन के स्लाइस के बीच में आलू भरकर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल भरकर इसे गैस पर चढ़ाएंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम यह बैगन के स्लाइस लेंगे और इसे बेसन के घोल में अच्छे से डुबोएंगे। हर तरफ से बेसन से कोट कर लेने के बाद इसे गरम तेल में डालें। एक बार में हम 3 स्लाइस ही डाल रहे हैं। इसे अलट पलट कर क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी ब्राउन होने पर इसे एक प्लेट में निकाल लें। ऐसे ही बाकी के सारे स्लाइस को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो दोस्तों तैयार है बैगन से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आपका कुछ चटपटा और क्रंची खाने का मन करे तो यह स्नैक झटपट बनाएं, वह भी घर के ही सामानों से, तो इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।